दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया, जहां मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ज़्यादातर फ्लैशिंग की वीडियोस अपलोड करता हूं। आज मेरे पास रेडमी 9 है। इंडिया में यही फ़ोन रेडमी 9 प्राइम के नाम से लॉन्च हुआ है और रिक्वेस्ट बड़ी पुरजोर ये आ रही थी बार बार के रेडमी 9 में DM वेराइटी वाला जो मैसेज आता है उसका, इस झंझट से इसका सलूशन क्या है, कैसी जान छुटेगी। तो जनाब ये रेडमी 9 जब से अपडेट हुआ है 12.5.2 या 12.5.3, उसके बाद से जब भी आप सेट को पावर ऑफ करते हैं और ऑन करने के बाद DM वेराइटी का मैसेज शुरू में ही आता है और अगर आपने पावर की दबा दी तो सेट आगे जाएगा, वरना सेट पावर ऑफ हो जाता है। तो अक्सर और बेशर ऐसा भी होता है, लोग भूल जाते हैं पावर बटन दबाना, सेट पावर ऑफ हो जाता है। तो कुछ देर बाद जब सेट निकालते हैं चेक करने के लिए, पता चला सेट पावर ऑन ही नहीं हुआ। तो इस झंझट से बचने के लिए तरीका क्या है वो आज की वीडियो देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, साथ में बनी सेलेक्ट ऑल जो बेल आइकन है उसको टैप करने के बाद सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मेरा मोबाइल जो है Redmi 9 और इंडिया Redmi 9 Prime, ये दोनों मोबाइल के लिए ये वाला मेथड है। मेरा मोबाइल जो है 12.5.5 पर अपडेटेड है, तो भले आपका सेट कोई भी रोम्स का वर्जन हो MIUI का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड्रॉयड वर्जन 11 होगा डेफिनेटली, तो MIUI 12.5.4 हो, 5.5 हो, 5.6 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड जो है किसी भी MIUI रोम पर काम करेगा। और दोस्तों ये बताता चलूँ कि वैसे तो मैं गारंटी नहीं देता कि डेटा ज़ाया होगा कि नहीं, लेकिन मेरा जो मेथड है मैंने इसको 3 बार अप्लाई किया है ये वीडियो बनाने से पहले। ये मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है वीडियोस को बनाने से पहले, तो मैंने कंफर्मेशन होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जनाब मेरा डेटा ज़ाया नहीं हुआ, डेटा एज इट इज़ रहा। चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा एक तस्वीरें कुछ निकाल के ताकि मैं अपने पास डेटा सेव कर लूँ ताकि आपको बाद में कन्फर्मेशन मिले, ठीक है जी। तो जनाब मैंने कुछ तस्वीरें निकाल दी हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर सेव हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे कि DM वेराइटी का सिलसिला कैसे होगा। अब जैसे मैं सेट को पावर ऑफ करता हूँ या फिर रिबूट करता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने रिबूट किया, देखते रहिएगा, लोगो आया, यहाँ पर DM वेराइटी का मैसेज आया, पावर की दबा दिया तो ठीक है, नहीं दबाया तो पावर ऑफ हो जाएगा सेट। अब सेट पावर ऑफ हो गया है, ये DM वेराइटी, इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है जी। चलें अब सेट पावर ऑफ तो हो गया है, अब आइएगा कंप्यूटर की जानिब। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेटा मैंने सेव नहीं किया तो डेटा इसमें ज़ाया नहीं होगा, ठीक है जी। मेरे दोस्तों आपने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, इसी फाइल में सारा निचोड़ जो है ना इसी फाइल के अंदर है। मैंने सब कुछ को एक ही जगह इकट्ठा करके एक zip फाइल बना दी है जिसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद लेनी है, माउस की मदद लेनी है और माउस पे डबल क्लिक करना है, सारा काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये फाइल लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपने डाउनलोड किया फिर इसे एक्सट्रैक्ट किया डाउनलोडेड वाले फोल्डर में, कोई सा भी फोल्डर हो एक्सट्रैक्ट कर दिया। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्टेड फोल्डरों पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ये तमाम फाइल्स नज़र आएगी जो मैंने एक ही फोल्डर में और zip फाइल में इसे इकट्ठा करके zip कर दिया है, ठीक है जी। अब मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा, तो मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है अगर आप DM वेराइटी वाले मैसेज को हटाना चाहते हैं। डेटा केबल को राइट हैंड में होल्ड करें, मोबाइल फ़ोन को लेफ्ट हैंड में। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखेंगे, केबल कनेक्ट करेंगे, विद इन 4 to 5 seconds में मोबाइल फ़ोन बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में, मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है, सेट मेरा कनेक्टेड है, बूटेड है फास्ट बूट मोड में। अब आइएगा कंप्यूटर की जानिब, तो आपने सबसे पहले फ्लैश 1 पे डबल क्लिक करना है तो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी और ये फ्लैशिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर आपने फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करना है, ये भी फ्लैशिंग हो गई है। आपने फ्लैश 3 पे डबल क्लिक करना है तो सेट रिबूट होगा, आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है, DM वेराइटी वाला मैसेज आएगा, आपने पावर की एक बार प्रेस करनी है, ये आ गया, आपने पावर की प्रेस की, फिर आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखी होगी, सेट हमारा बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी में, तो वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा, ठीक है जनाब।
जनाब रिकवरी की स्क्रीन आने के बाद कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज आएगा, तो इंटरनल स्टोरेज पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो तमाम फोल्डर्स जो है वो आपको सही प्रॉपर नेम्स के साथ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो है ये इनक्रिप्ट है। मैंने 3 वेरिएंट की रिकवरी इस पर फ्लैश करके देखा, लेकिन एंड्रॉयड 11 पे हर दफ़ा स्टोरेज जो है इनक्रिप्ट होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम डीक्रिप्ट इनक्रिप्ट में ही अपने फाइल को फ्लैश करेंगे तो डेटा ज़ाया नहीं होगा। डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा, मैं इसे बैक करूँगा, इसका काम नहीं है, इस वाले स्टोरेज को मैं बंद कर दूँगा इंटरनल स्टोरेज, और मैं अपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में वापस आऊँगा। अच्छा दोस्तों, अब हमने फ्लैश 1 वाली फाइल को डबल क्लिक किया, फिर फ्लैश 2 को, फिर फ्लैश 3 को ना, तो हमारा जो कमांड विंडो था वो ओपन हुआ और ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब हमें फ्लैश 4 पे डबल क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक काम आपको अभी करना होगा पहले। अगर आपने नहीं किया और फ्लैश 4 पे डबल क्लिक कर दिया तो ये वाली फाइल फ्लैशिंग नहीं होगी। उसका हल क्या है कि आपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्टरनेट और डिलीट की को जब आप प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन होगा। टास्क मैनेजर पे ये ब्लू स्क्रीन के ऊपर इस पर क्लिक कीजिएगा तो टास्क मैनेजर का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। नीचे आइएगा सेकंड वाले सेशन में जहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस 84, देखिएगा थर्ड नंबर पे आपको adb.exe ब्रैकेट के अंदर जो है 32 बिट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो कमांड विंडो है ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये जब तक बंद नहीं होगा adb काम नहीं करेगा, यानी कि फ्लैश 4 वाली फाइल जो है वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपने जो फ्लैश 4 को डबल क्लिक करने से पहले, ठीक है, आपने इस वाले की adb को बंद करना होगा। इस पर क्लिक किया और एंड टास्क पे आके आपने क्लिक किया तो ये जो है वो बैकग्राउंड से कमांड विंडो बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब आपने टास्क मैनेजर वाली जो विंडो है इसे क्लोज कर देना है। अब हम जो है फ्लैश 4 वाली फाइल को डबल क्लिक करके चला सकते हैं, यानी कि इसको रन कर सकते हैं। दोस्तों रिकवरी की स्क्रीन पे आइएगा, सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, थर्ड वाले मेन्यू पे टैप करें, चेक कीजिएगा ब्राइटनेस ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम आउट अगर मैक्सिमम नहीं है इसे मैक्सिमम कर दीजिएगा। बैक करके पीछे मेन स्क्रीन पे आइएगा, एडवांस पे टैप कीजिएगा, एडीबी साइड लोड मोड पे टैप करके स्वाइप कर दीजिएगा ताकि सेट हमारा बूट हो जाए एडीबी साइड लोड मोड में। ठीक है जी, एडीबी साइड लोड मोड में सेट हमारा बूट हो गया है। अब आप दोबारा जो एक्सट्रैक्टेड डिजिबल डीएम वैरायटी वाला फोल्डर था यहां आइएगा। अब की बार आपने फ्लैश 4 पर डबल क्लिक करना है तो फ्लैशिंग शुरू होगी जो हमें फाइल फ्लैश करनी है, यहाँ आपको दिखाई देगा। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक जगह पे आके आपसे कहेगा कि प्रेस वॉल्यूम अप की और फॉर यस, दिया आ गया जी सेलेक्ट ऑप्शन वॉल्यूम प्लस फॉर यस, वॉल्यूम माइनस फॉर नो। आपने वॉल्यूम अप की को प्रेस करना है एक बार, दोबारा आएगा, दोबारा वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो मैं जो है सिलसिला शुरू होगा। देखते रहिएगा, जब ये ऑप्शन आए कि आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करनी है तो आपने दो दफ़ा वॉल्यूम अप की को प्रेस करना है और ये फ्लैशिंग अब कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद जब आपको डन नज़र आ जाए तो कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। अब के बार इंटरनल स्टोरेज दोबारा दिखाई देगा लेकिन स्टिल वो इनक्रिप्टेड है। चलिए कंप्यूटर को मैं बंद कर देता हूँ। और दोस्तों अब आपने केबल को डिसकनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से और सिंपली आपने रिबूट सिस्टम पर टैप करना है। यहाँ पर अगर ये मैसेज आपको दिखाई दे कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, डजेंट मैटर, डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट स्वाइप कर दीजिएगा, सेट जो है वो ऑटोमेटिकली बूट होगा। रिबूट होने के बाद देखते रहिएगा, लोगो आया, डीएम वैरायटी का मैसेज नहीं आएगा, ऊपर अनलॉक का जो पैडल है वो नज़र आ रहा है, सेट अब बूट करना शुरू कर देगा। नाउ यू विल नॉट गेट डीएम वैरायटी मैसेज अगेन एंड अगेन अनलेस यू टेक एन अपडेट। जब आप अपडेट आपके पास आएगी और आप अपडेट करेंगे सेट को तो फिर दोबारा से आपके पास ये डीएम वैरायटी का मैसेज आता रहेगा। यही तरीका है हर दफ़ा डीएम वैरायटी वाले मैसेज को डिसेबल करने का। ठीक है दोस्तों, अब सेट मेरा बूट हो गया है। अब एक नज़र मैं आपको अपने जो गैलरी में तस्वीरें मैंने खींची थी वो आपको दिखाता चलूँ। तो एज इट इज़ वो मेरी सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वो डेटा मेरा ज़ाया नहीं हुआ, मेरा सारा का सारा डेटा रिमेंस देयर। ठीक है जी, अब एक नज़र फिर मैं सेट को रीस्टार्ट करता हूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि डीएम वैरायटी जो है दोबारा आएगा कि नहीं। इस अब की बार मैं सेट को पावर ऑफ करूँगा और अब सेट को मैं दोबारा से पावर ऑन करूँगा। लोगो आया, अनलॉक पैडल आया और सेट आगे बढ़ेगा
डीएम वैरायटी वाला मैसेज दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अपडेट के बाद शायद आ जाए। ठीक है जी, तो दोस्तों ये तरीका था Redmi 9 में DM वैरायटी वाली मैसेज को डिसेबल करने का। दोस्तों वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।